मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत आज रामगढ़ उपायुक्त ने समरणालय परिसर से मतदाता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस क्रम में उपायुक्त के साथ उप विकास आयुक्त के अलावा निर्वाचन विभाग के पदाधिकारी भी मौजूद थे। यह रथ जिले के विभिन्न सुदूर जगहों पर घूम घूम कर नए मतदाता या वैसे मतदाता जिनका नाम मतदाता सूची में जोड़ना या बदलना है उनको जागरूक करेगा, ताकि नए मतदाता इससे लाभान्वित हो सके। इस मौके पर उपायुक्त श्री संदीप सिंह ने बताया कि जो कोई भी पहली बार मतदान करने की एज में आए हैं, 19 वर्ष के जो यूथ हैं, महिलाएं और कोई भी ऐसे व्यक्ति जिनका नाम मतदाता सूची में जोड़ना है या बदलवाना है, उसकी दावा और आपत्ति 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक की अवधि में प्राप्त की जाएगी। जो भी उनके चिन्हित बूथ हैं, वहां पर जाकर या ऑनलाइन या पोर्टल के माध्यम से आप अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। इस पर कार्यवाही होगी। वार्षिक मतदाता सूची के तहत जो रिवीजन होता है, उसी के तहत अभी उसके कैंप शुरू हो रहे हैं, जिसमें 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक काम किया जाएगा। पहली बार मतदान करने की एज में आए हैं 18 से 19 साल के विशेष रूप से जो यूथ हैं, उनको, महिलाएं और कोई भी ऐसे व्यक्ति जिनका कि मतदाता सूची में चाहे नाम ऐड करना है या फिर किसी तरह का उसमें चेंज करना है, लोकेशन चेंज हुआ है, तो उसकी दावा और आपत्ति 16 नवंबर से 15 दिसंबर की अवधि में प्राप्त की जाएगी। जो भी उनके चिन्हित बूथ हैं वहाँ पर जाके या ऑनलाइन PRO नेट पोर्टल के माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं और प्रोसेस करके हम लोग कार्यवाही करेंगे। हमारी रिवीजन जो वार्षिक मतदाता सूची का होता है, उसी के तहत अभी कैंप उसके शुरू हो रहे हैं, जिसमें 16 नवंबर से शुरू करके 15 दिसंबर। रामगढ़ जिले का एकमात्र इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि झारखंड सरकार द्वारा निर्मित टेक्नो इंडिया ग्रुप वन ऑफ द लीडिंग बिगेस्ट एजुकेशन के द्वारा संचालित AICTE के मान्यता प्राप्त एवं झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। वर्तमान में रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग की पढ़ाई चल रही है। रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रत्येक शाखाओं में स्टूडेंट एडमिशन सीट की संख्या 60 है। इसके अलावा इस कॉलेज में लेटरल एंट्री जो कि संबंधित ब्रांच डिप्लोमा करने के बाद एडमिशन से होता है, इसकी भी यह सुविधा है। वर्तमान समय में डिप्लोमा करने के आधार पर 25 सीटें उपलब्ध हैं। इच्छुक छात्र और छात्राएं जल्द से जल्द नामांकन कराएं। नामांकन कराने की अंतिम तिथि नवंबर 2020 तक है। अन्य कॉलेजों में एडमिशन लेने वाले छात्र छात्राओं की अपेक्षा रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज विशेष सुविधा दे पाएगी, जो इस प्रकार है। कॉलेज फी संपूर्ण रूप से गवर्नमेंट सरकार के द्वारा निर्धारित है। कॉलेज में ST/SC/OBC कैटेगरी के बच्चों के लिए स्टेट गवर्नमेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा स्कॉलरशिप की सुविधा है। वर्तमान समय में कॉलेज वर्ल्ड बैंक फंडिंग प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। कॉलेज में अनंतर आधुनिक सुविधा, सुसज्जित लाइब्रेरी की सुविधा, आधुनिक रूप से सुसज्जित प्रयोगशाला की सुविधा तथा कॉलेज कैंपस के अंदर संपूर्ण हॉस्टल फैसिलिटी की सुविधा है। न्यूजलेंस चैनल को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें और खबरें सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। न्यूजलेंस में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है